लाइफ में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको अगर एक चीज याद है ना, तो वो अपना गोल हमेशा अचीव कर लेता है। एंड दैट इज रीजन वाई यू स्टार्टेड। अगर आपको अपना रीजन पता है, द रीजन वाई यू स्टार्टेड, तो आप भी अपना ये अटेम्प्ट 110% क्लियर करोगे। 1 मिनट का छोटा सा टास्क दूंगा आपको, इस वीडियो के एंड के बाद आपको करना है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर लेना, अगर मुझे मानते हो भाई, राइट, बड़ा भाई मानते हो, तो एक छोटा सा काम करना है आपको। आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रीवियस एग्जाम था, चाहे वो CA इंटर का हो या CA फाउंडेशन का हो, या CPT दिए होंगे तो वो, राइट, और फाउंडेशन होंगे तो 12th वाले, आपको अपने प्रीवियस एग्जाम का जो मार्कशीट है उसको उठाना है, उसके मार्क्स देखने एक बार, और अपने आप को ये चीज पूछना है कि जिस दिन ये मार्क्स आए थे, मैंने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था। जिस दिन मेरे फाउंडेशन के मार्क्स आए थे, या मेरे CA इंटर के मार्क्स आए थे, या जिस दिन मैंने ये रिजल्ट को देखा था, मैंने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था। और जैसे ही आप वो प्रॉमिस को बोलोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो पढ़ाई के लिए नजरिया है, पढ़ाई के लिए जो मोटिवेशन है, वो 10 गुना बढ़ जाएगा। और यही चीज आपको करना है। जो भी आपने अपने आप को प्रॉमिस किया था, अगर चाह बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बट ये जरूर बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। मैं चाहता ये हूं कि यार, आप इस बार जो मेहनत डाल रहे हो ना, इस बार आपका जो मेहनत आ रहा है वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट हो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब सामने आपका विजन क्लियर होगा। मेहनत हम सभी कर रहे हैं गाइस, मेहनत आप भी कर रहे हो, आपका दोस्त भी कर रहा है, बट एक चीज है कि पास वही होता है जो सही समय पे सही चीज कर ले। और आज से अच्छा समय नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 साल की जर्नी में क्या किया, बट इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि आपने आखिरी के 1 महीने में क्या किया। अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे। नींद आती है मुझे पता है भाई, थोड़े दिन की बात है, सेक्रीफाइस इट। 1 month सेक्रीफाइस इज गोना बी इक्वल टू द एंटायर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वॉट 1 month सेक्रीफाइस इक्वल्स टू एंटायर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, वॉट डू यू वॉन्ट, यू डिसाइड। और जो डिसाइड किया था, जो सपना सोचा था, उसको अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लो, या एक ऐसे पेज पे लिखो जहां पे आप अपने वॉल पे वो स्टिक कर दो लिख के। देखो भाई अंदर से क्या आग निकलेगी, नहीं निकलेगी तो नाम बदल देना, करना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट का टास्क दिया है, कर लो, और जरूर अपना एक्सपीरियंस बताइए। बाकी तो आप बढ़िया से पढ़ ही रहे हो यार, फोड़ने वाले हो इस बार, टेंशन लेने का नहीं है, इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और जो भी पढ़ रहे हैं 100% कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के बढ़िया से पढ़ेंगे, और हाँ, टेंशन लेने का नहीं बेड़ू, पेपर आसान ही आएगा, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बाय।